बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दहलाने वाला मास्टरमाइंड और दो अन्य आतंकी ढाका के नजदीक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। हमले के मास्टरमाइंड का नाम तमीम अहमद चौधरी है। बताया जा रहा है कि वह जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का फाइनेंसर था। इससे पहले बांग्लादेश में हुए दो और धमाकों में भी उसका हाथ था। आपको बता दें कि 1 जुलाई की रात बांग्लादेश के होली ऑर्टिजन रेस्टोरेंट में हुए आतंकी हमले में 17 विदेशियों समेत 22 लोग मारे गए थे। इसमें एक भारतीय युवती भी शामिल थी। 10 घंटे चली कार्रवाई में बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था। करीब 30 साल का चौधरी 1 जुलाई को होली ऑर्टिजन रेस्टोरेंट पर और इसके 6 दिन बाद उत्तरी शोलाकिया में ईद के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर किए गए हमले का मास्टरमाइंड है। कनाडा से 2013 में लौटने के बाद वह प्रतिबंधित जेएमबी का नेतृत्व कर रहा था। तमीम अहमद चौधरी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर पहले ही आ चुका था और साथ ही चौधरी पर 20 लाख टके के इनाम की घोषणा भी थी। तमीम का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। देखते रहिए डीबी लाइव।